ले भाई हमने शायद मे बी 80-85 किलोमीटर का सफर करा कंप्लीट। लो भैया इस जगह इससे फालतू तो मैं नहीं कर सकता कि नहीं ठीक है। ले भाई अब देखो भाई देखो और अपन निकल चुके हैं एक बहुत ही भयंकर ताबड़तोड़ ट्रिप के लिए जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। चल चल दरवाजा खोलते हैं, बाइक को निकालते हैं। चाबी कहाँ है? हाँ इसी में है। सो फाइनली भाई निकल चुके हैं हम एक बहुत ही भयंकर ट्रिप के लिए। पहले तो मैं वाइजर को नीचे कर देता हूँ ताकि आवाज़ अच्छी तरीके से आए। भाई मैं सोच रहा था मतलब मेरे साथ है ना एक बहुत ही भयंकर वो सीन हुआ। अभी आपने मिनी ब्लॉग देखे होंगे, माता का बुलावा आया था, कितना तगड़ा बुलावा आया था। मतलब एकदम से अचानक से प्लान बना और एक बुलावा और आ गया। ये और किसी का नहीं, माई ऑल टाइम फेवरेट, जहाँ जाते के साथ मेरी हमेशा इच्छा पूरी होती है, खाटू श्याम, मेरे प्यारे श्याम। खाटू श्याम का बुलावा आ गया अचानक से एकदम से प्लान बना। देखो स्क्रीन के अंदर कॉल आने लग रहा बिरादर का, बिरादर बोलता हूँ मैं मेरे कटोरे भाई, बोले तो सौरभ भाई को। ब्रो मैं फ़ोन उठा लिया। हाँ भाई यार क्या है, कट रहा है फ़ोन। वो भाई काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं, तो बाकी बातें करेंगे बाद में, पहले चलते हैं सीधा भाई के पास और फिर भाई से मिलके फिर बाद में बताता हूँ कि कैसे प्लान बना कैसे प्लान नहीं बना, क्योंकि एकदम से प्लान बना है भाई। फाइनली अपने भाई, तो फाइनली भाई अपने भाई आ चुके हैं अपने साथ बैठा है पीछे, बट पीछे में आता है ऐसे नॉर्मली बात चल रही थी तो मैंने कैमरा कर दिया था, बट भाई तो वो बाइक वाला गया है ना अभी आके, बहुत गंदा मतलब यार मम्मी आई एम सॉरी बट नहीं बाइक वाले ने गलती करी है, आंकड़े दिखा कर गए हैं। तेज तो चलाऊंगा सिर्फ 100 का अंदर अंदर उसको पकड़ूंगा, एक तरह से भाग कर दिखा रहे हैं वहाँ तक भागा को मैं समझ में तो आ रही सिर्फ फुल चला रहा हूँ अपनी फुल स्पीड में और हम चल रहे हैं आराम से मस्त चुराने में। कच्चा ही गया थे। चलो अब बताता हूँ मैं आप लोगों को कि हम कैसे प्लान बना। भाई मैं था अपने ऑफिस में, वंस अपॉन अ टाइम विश वाज़ ऑन आवर ऑफिस, इंग्लिश मेरे को नहीं आती पर ट्राई कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास मेरी एक मैडम है जो मेरे को इंग्लिश सिखा रही है आजकल, तो उस मैम को थोड़ा थैंक यू बोल दो सभी लोग, वो मेरे को इंग्लिश सिखा रही है ना। आई डोंट नो वो मैम मेरे को मेरे ब्लॉग देखती है नहीं देखती है, बट वो शिकायत कर रही थी कि मेरे को भी ब्लॉग में नहीं देखते हैं मेरे बारे में कभी ब्लॉग में नहीं कहते हैं, तो चलो आज कह देते हैं ओके मैम आपको ले लिया है मैंने ब्लॉग के अंदर, आपका नाम नहीं लेंगे बट आपको ले लिया है, समझ जाओ आप मम्मा समझ लेना। चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैं बैठा था ऑफिस में, भाई का आया फ़ोन, वो गाना नहीं राघव भाई का आया फ़ोन रोड़ा होगा राजू चौक वो वाला सीन था भाई। मैं आराम से अपने ऑफिस में बैठ के अपने एक बढ़िया सी वीडियो एडिट करने लगा था, फिर आया एकदम से भाई का फ़ोन। मैं भाई साहब आज भाई का फ़ोन आया मैं हाँ तो चलेगा मैं भाई नेकी और पूछ कुछ बताओ कब चलना है, क्योंकि मैं हमेशा भाई से कहता था मैं भाई यार अकेला अकेला चला गया मेरे को ना लग गया मैं भी चलता ये वो फलान ढिकाना, तो अब की बार भाई ने मेरे से पूछ लिया और मैंने एक मिनट तक कुछ पूछा भी नहीं और एक मिनट के अंदर ही मैं भाई चलूँगा चल, और उसके बाद बोले ओके ठीक है हमने ऐसे मतलब करके 4 बजे मतलब हमने ऐसा प्लान बनाया मतलब 4 बजे हमारे ऐसे बात हुई कि चलेगा ना, मैं हाँ चलूँगा डन है बोले बोले ठीक है ओके। उसके बाद 6:30 मैं अपने ऑफिस से निकला, 6:15 तक मैं अपने घर पहुँच गया, 6:30 के आसपास में मैं अपने कपड़े कपड़े चेंज किए नहाया धोया कपड़े पहने और कैमरा वगैरह माउंट किया कैमरे का स्टोरेज खाते किया दूसरा मतलब वो जो काम होता है ना वो करा और मैं भी 7 बजे के आसपास में अपने घर से निकल गए। 2 लीटर है कम से कम, 2 लीटर है कम से कम, 2 लीटर डाल दे भाई डाल दो। चौदह सौ के अप्रोक्स
पहले कराते टंकी फुल, उसको पेट भरा। रुको 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 रुको, चल ठीक है सट्टो लगावा, कितना भरेगी? 1400 का अप्रोक्स, 1400 1500-1400 का रेट लग गया है, भयंकर भयंकर। अबे कुछ बहुत आओगे उधर, 1200 हो गया। ओ 1200 1250 और पी 1300 1350 यार मैं भी रहेगा तू भी रहेगा, शिट दोनों गलत निकल गया। 900 रुपये को डाल दो, 1350 दोगे। ओ भाई कटी 1 रुपया को ठेट करो, ठीक 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 1 रुपया ओ होगो 1350। ओ भाई तेरी खुशी, ओ भाई भाई साहब ऐसे कुछ भी कहो, रात का टाइम करने ना बाइक चलाने का मजा ही अलग है। इस पर कहाँ ले रहे हो भैया, कहाँ ले रहे हो ट्रक वाले भैया, कहाँ विदाउट एनी इंडिकेटर आप इधर उधर दे रहे हो, क्या बात चले कैसे भाई? मजे तो है देखो यार, प्यारा रोड है, प्यारी अपनी बाइक है, प्यारा मौसम है, प्यारी अपनी मंजिल है, सब कुछ प्यारा है प्यारा है। खाटू श्याम का नाम लेके हम चले जा रहे हैं और भाई मजे आ रहे हैं। मैं तो वैसे एक ही बात कहूँगा, थैंक यू खाटू श्याम जी, तो आपने मेरे को बुला लिया दोबारा से, और प्लीज़ ऐसे ही बुलाया करो, मैं तो कह रहा हूँ हर महीने बुला लिया करो यार, क्योंकि खाटू श्याम से प्यारी और वृंदावन से प्यारी मेरे को कोई जगह नहीं लगती यार। खाटू श्याम और वृंदावन बहुत प्यारी जगह है मेरे लिए, बहुत मतलब नेक्स्ट लेवल, जो जो कहते हैं जन्नत, मैं वो मानता हूँ। पहाड़ों वाली बात अलग होती, बट ये तो प्लेस ऐसे है जिसकी कोई होड़ नहीं है भाई। हमने शायद मे बी 80-85 किलोमीटर का सफ़र करा है कम्प्लीट, देन उसके बाद आए हैं हम रुके हैं यहाँ पर आयुष पवित्र भोजनालय करके जगह है, यहाँ पर रुके हैं, देन उसके बाद हम निकलेंगे यहाँ से सीधा अगला स्टॉपेज रहेगा अपना शाहपुरा। हम मैं रोड से 16 किलोमीटर पहले हैं, तो मैं चलो कोई बात नहीं पहले हम रुक लेते हैं, क्योंकि भाई का लगी आप सुनते पहले तो भाई ने कही कि भाई यार थोड़ी चाय पीनी चाहिए, मैं ओके आप चाय पियो, तो इसलिए छोटा सा ब्रेक लिया। और भाई साहब पहला ऐसा बंदा मिला मेरे को, भाई ने मतलब पसंद आ गई बाइक यार, भाई लग रहा भाई दिल आ गया मेरा पैसा भाई आपकी बाइक। चलो हम यहाँ से निकलते हैं और उसके बाद अपना नेक्स्ट स्टॉप देखते हैं, तो साफ ना रुकेंगे यहाँ पे सीधा रिंगस से चलेंगे पैदल, तो भाई कह रहे पैदल चलोगा मैं ओके कोई दिक्कत वाली बात नहीं पैदल चलते हैं, बट उससे पहले रिंगस तक का सफ़र देखते हैं। कितने टाइम लगेगा रिंगस तक में? रिंगस से काटूँ है अपने यहाँ से रिंगस 2.5 घंटे यहाँ के, और उसके बाद पैदल 3 है वो मतलब 5.5 घंटे बैठने के बाद चढ़ो स्वाद आए ना भाई, वहाँ पर मक्खन वोटर मक्खन का तूफा, बट अब जो उनके पार्किंग सबसे पहले पार्किंग मिल रही है, इसके बाद मेरा यहाँ को पार्क अब बता चार ठिकाने के बाद यहाँ से लगे चार तो भाई झंडा बैठ के चला। अच्छा हमें यहाँ तक कितना घंटा लग जाएगा? 3.5 सही है और की 3.5 घंटे पैदल ओके। और कितने किलोमीटर पड़ा गया था वो?
18 किलोमीटर 3.5 घंटा। चलो बाइक तो कर दी पार्क, अब हम जल्दी से दर्शन कर जाते हैं। फाइनली भाई मुँह हाथ धो लिया और धजा आती है धजा रख लिया, मतलब धजा को सॉरी बाइक थी बाइक रख लिया भाई, ले रहा निशान मतलब बोलेंगे धजा। यहाँ से चलेंगे पैदल 20 किलोमीटर 20 13 कितना भाई पता ना भूल गया किलोमीटर पूछ के बताऊंगा मैं भाई से, रास्ते के अंदर आराम से पूछते चलेंगे क्योंकि मेन जो सफ़र है ना वो तो हमारा स्टार्ट होगा अब। तो चलो चलते हैं, कोई सा ले लो अच्छा सा। तो वो भाई लेने लग रहा है अपने निशान, दो निशान लेंगे और फिर चलते यहाँ से। चलो फाइनल ब्रो, भाई यहाँ से कितने किलोमीटर पड़ा होगा? 18 किलोमीटर लगा देते हैं, यहाँ से पड़ रहा है 18 किलोमीटर और मे भी 3 घंटे का सफ़र है भाई, बताओ 3 घंटे लगेंगे ना? कोई बात नहीं 3 घंटे सही, क्योंकि 1 साल पहले हमने पूरी गांव चले के यहाँ तक तो पैदल यात्रा की थी, आज सिर्फ 18 किलोमीटर है और 18 किलोमीटर थोड़ी बहुत ही चलेगी। और सही कह रहा है भाई, विदाउट लाइट है ना थक तो पड़ रहा है, काफ़ी फर्क पड़ रहा है। तो इसके ऊपर फोकस आ गया तो मेरा काला चेहरा देख लो वापस। अच्छा लो, और मैंने सफ़र के अंदर टाइम गैप और वीडियो इसलिए कम दिखाई थी मैं, क्योंकि व्लॉग बेफालतू में लंबा हो जाऊँगा। सफ़र तो मेन तो यही था रिंगस से लेकर आगे खाटू तक का, वो तो नॉर्मल राइड थी, वो आप डेली देखते रहो तो उसके अंदर तो इतना कुछ खास देखने वाला था ना, छोटे मोटे टाइम लैप्स से आए होंगे वो आपने देख लिए होंगे। अब जो मेन सफ़र है ना वो स्टार्ट हो रहा है अब, यहाँ से लेकर खाटू तक के नज़ारे हुए जो प्यारे होने वाले ना, क्योंकि ये रास्ता है ना वो रास्ता बहुत प्यारा है हर बार। अब चलो चलते तुम करो इन्जॉय, मैं चलता हूँ पैदल पैदल खाटू श्याम का नारा बोलते बोलते। चलो हाँ भाई बिल्कुल, लो भैया इस जगह इससे फालतू में नहीं कर सकता कि नहीं है, ले भाई अब देखो भाई देखो ठीक है, यो ना दिखनी चाहिए यो ना दिखेगी यार, मैं तो फालतू में क्या करूँ। फाइनली भाई हमने मतलब 18 किलोमीटर का सफर है और 9 किलोमीटर कर लिया कवर, अब करते थोड़ी देर रेस्ट भाई के हो गए छाल ले और यार के हो रहे नशे। रे क्या हाल है भाई विशु, व्हाट्स थक को यार भाई मैं बढ़िया है, थक गया कैसे थक गया? उड़ गया है ना, उड़ गया है भैया। देखो हम यहाँ बैठ चुके हैं भाई विशु, बस अब थोड़ा ठंडा लेने की शिकायत में है, ऐसे कह मैगी खाऊंगा, ये बिरच गए यहाँ पे कि भैया पहले मुझे मैगी खानी फिर आगे जाऊंगा मैं। चलो ठीक है भाई को मैगी खिलाते हैं और आगे चलते हैं। बंद कैसे हो गया भी हो बता दे। अरे यार सीख रहा हूँ मैं भी ब्लॉगिंग स्टार्ट करो सौरभ वशिष्ठ के नाम से, अच्छा यही दबा दूँ, ओके थैंक यू। सो फाइनली भाई निकल चुके हैं यहाँ से, रेस्ट कम्प्लीट, ले ली अपनी धजा, चलो रेस्ट कम्प्लीट हो गया। अब यह कि यहाँ पैरों को थोड़ी सी ना जान मिल गई है कि अब हाँ ठीक है 9-10 किलोमीटर जितना बच रहा कवर कर लूँगा, चलो चलते हैं दोबारा से बोलते हैं खाटू नरेश की जय। कुछ नहीं चलो, क्या क्या कुछ कह रहे थे भैया? मेरी एडी में थोड़े छाले हो गए थोड़े से, मेरी एडी में छाले हो गए गाइस थोड़े से ज़्यादा नहीं हुई थोड़े से, हाँ वो सहन हो जाएंगे। चलो